हेलो कैंडिडेट्स, सीआरपीसी मॉक 5th में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एफआईआर अंडर 154 ऑफ सीआरपीसी इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट्स ओनली यूज इज़ टू। जो एफआईआर है 154 के अंडर, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं, तो वो किस लिए यूज़ किया जा सकता है एफआईआर? कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट द मैटर, या ओनली टू कॉन्ट्राडिक्ट, या ओनली टू कोरोबोरेट, या नन ऑफ द अबो। आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्ट्राडिक्ट एंड कोरोबोरेट द मैटर। नेक्स्ट इज, ए कॉपी ऑफ एफआईआर शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, किसको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी? टू द इन्फॉर्मेंट, टू हिज फ्रेंड, टू हिज रिलेटिव, या नन ऑफ द अबो। आंसर इज टू द इन्फॉर्मेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी एन इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस बाय पुलिस ऑफिसर मे बी मेड विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विद द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट, या नन ऑफ द अबो। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए 155 के अंडर, जो पुलिस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करती है उसके लिए? आंसर इज विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, नॉन कॉग्निजेबल है तो नो अरेस्ट विदाउट वारंट। वेयर ए केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेज ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल, द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। एक केस में दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेज हैं, उनमें से एटलीस्ट एक, मतलब उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो वो कॉग्निजेबल माना जाएगा या नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा? आंसर इज कॉग्निजेबल, एक भी कॉग्निजेबल है ऑफेंस उनमें से, तो वो केस कॉग्निजेबल माना जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी एन इन्वेस्टिगेशन इन ए कॉग्निजेबल केस कैन बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। इन एन ऑफेंस ऑफ रेप, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम, इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, एट द पुलिस स्टेशन, बोथ ए एंड बी। रेप केस में विक्टिम की स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? आंसर इज बोथ ए एंड बी, रेजिडेंस पे भी या उसकी चॉइस है किस प्लेस पे वो रिकॉर्ड करवाना चाहती है वहीं पे। नेक्स्ट इज, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इन ए रेप केस एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर चाहिए, मेल पुलिस ऑफिसर, ए पर्सन ऑफ हर चॉइस, या नन ऑफ द अबो। आंसर इज ऑप्शन ए, वुमेन पुलिस ऑफिसर चाहिए रेप के केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन रेप केस शैल बी इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस रहनी चाहिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम? हर पेरेंट और गार्जियन, रिलेटिव्स, सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी, ऑल द अबो। आंसर इज ऑल द अबो, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट इज, ऑर्डर फॉर ए मैसेज और कम्युनिकेशन टू बी एन ऑफ एफ आई आर देयर मस्ट बी समथिंग इन द नेचर ऑफ ए कंप्लेंट, एक्यूजेशन, सम इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम गिवन, या ऑल ऑफ द अबो। आंसर इज ऑल द अबो। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट एंड ईच सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन और रिड्यूस्ड टू राइटिंग शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, शैल बी साइंड बाय द पेरेंट, या नन ऑफ द अबो। आंसर इज शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी ए कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय 164 के अंडर किसके द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबो। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एमएमबी कर सकता है, जेएमबी कर सकता है। नेक्स्ट इज, ए कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो, वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए रिकॉर्ड करते टाइम? एडवोकेट ऑफ द अक्यूज, रिलेटिव ऑफ द अक्यूज, ए फ्रेंड ऑफ अक्यूज, नन ऑफ द अबो। आंसर इज
एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड, ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज ए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस कैन एग्जामिन एनी विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी ओरली बाय ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बोथ एंड बी नन ऑफ द बो. बताइए 161 के अंडर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, वो ओरली होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा होगा, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ द बो. आंसर इज बोथ ए एंड बी. ओरली भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकता है. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द मजिस्ट्रेट हैव टू कमिट द कोर्ट ऑफ सेशन इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. तो कमिटल का केस है, कमिटल एक ऑप्शन है. ए केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ए पुलिस रिपोर्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द बो. कौन से केस में कर सकता है? आंसर इज बोथ ए एंड बी, वेदर इंस्टीट्यूटेड और नॉट इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट हैज़ टू कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. ही इज टू सप्लाई द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन. कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सप्लाई की जानी चाहिए उसको करनी होती हैं, वो कौन से सेक्शन में दी गई हैं? 207 ऑफ सीआरपीसी व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, 208 वेयर द केस इज ए कंप्लेंट केस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बो. आंसर इज बोथ ए एंड बी. ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं. अंडर सेक्शन 402 ऑफ सीआरपीसी व्हेन द मजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, समन्स और वारंट कैन बी इशूड इफ द लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ बीन फाइल्ड, लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, बोथ एंड बी, नन ऑफ द बो. आंसर इज इफ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ बीन फाइल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस्ड ऑफ, कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट बाय कोर्ट इफ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एन अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 ऑफ सीआरपीसी, ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस्ड ऑफ इफ द कंप्लेंट इज सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ऑफ द कंप्लेंट, द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट, द मजिस्ट्रेट थिंक्स जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, नन ऑफ द बो. आंसर इज द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी कैन बी ट्राइड बाय, इसके द्वारा ट्राई किया जाएगा सेक्शन 26 के अंडर, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइड, ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव, ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ व्हेन any court is mentioned in that behalf in such law shall be tried by such court, and when no court is mentioned may be tried by, अगर mention ही नहीं कर रखा है कौन सा court के द्वारा try होगा ये case, तो किसके द्वारा tried होगा? High court, any other court by which such offence is shown in the first schedule to be tried, both A and B, none of the above. Answer is both A and B. Next is अंडर सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी द सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज मे पास सेंटेंस ऑफ डेथ सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय, किसके द्वारा कन्फर्मेशन होगी? सेशन जज द्वारा डेथ सेंटेंस जो दी जाएगी वो हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, या बोथ एंड बी, नन ऑफ द बो. आंसर इज द हाई कोर्ट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी सीजीएम इज एम्पावर्ड टू पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ, सीजीएम की सेंटेंस पूछ रखी है, एक्सेप्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडेंट, 7 ईयर्स, ऑल द अबव. आंसर इज
ऑल द अबव, इन सभी को छोड़ के जो बच गई ना, मतलब 7 साल से नीचे की बच गई, वो सेंटेंस भी पास कर सकता है। द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज एम्पावर्ड टू पास द सेंटेंस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, फर्स्ट क्लास की पूछ रखी है, कितने ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता वो, 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर या 7 ईयर। आंसर इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास सेंटेंस ऑफ ए फाइन नॉट एक्सीडिंग, इसमें फाइन पूछ रखा है कि कितने से ज़्यादा नहीं होगा, 10,000, 15,000, 30,000, 25,000। आंसर इज 10,000। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 46 ऑफ सी आर पी सी द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन कैन बी मेड बाय, जो 46 में अरेस्ट दे रखा है वो कैसे किया जा सकता है, अरेस्ट का प्रोसीजर, अरेस्ट हाउ मेड, टचिंग द बॉडी ऑफ पर्सन, कन्फाइनिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन, सबमिशन टू द बॉडी बाय वर्ड और एक्शन, ऑल द अबव। आंसर इज ऑल द अबव, इनमें से कोई सा तरीका कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 46 ऑफ सी आर पी सी द अरेस्ट ऑफ ए वूमेन कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बो। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द वूमेन इज टू बी मेड आफ्टर सनसेट एंड सनराइज, द वूमेन पुलिस ऑफिसर बाई राइट मेकिंग रिटर्न रिपोर्ट हैज़ परमिशन टू, किसकी परमिशन लेनी होती है अगर वुमेन को अरेस्ट करना हो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो किसकी परमिशन लेनी होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सेशन जज या नन ऑफ द बो। आंसर इज JMFC, फर्स्ट क्लास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 50A ऑफ CRPC एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट हैज़ टू इन्फॉर्म हिज, किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, पुलिस को, रिलेटिव्स, एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, नेम ऑफ एनी अदर पर्सन डिस्क्लोज और नेम बाय द अरेस्टेड पर्सन, ऑल द अबव। आंसर इज ऑप्शन ए, रिलेटिव्स। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC ए पर्सन अरेस्टेड व्हेन वारंट्स शैल डिटेन इन कस्टडी मोर देन 24 आवर्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स, नन ऑफ द अबव। आंसर इज 24 आवर्स। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू प्रोक्लेमेशन इफ़ इट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट हैज़ बीन इशूड हैज़ एब्सकॉन्डेड, कंसीलिंग हिमसेल्फ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बो। आंसर इज ऑप्शन सी, एब्सकॉन्डेड एंड कंसीलिंग हिमसेल्फ। प्रोक्लेमेशन तभी जारी की जाती है जब वो भाग गया हो या खुद को छुपा रहा हो। नेक्स्ट इज द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC हैज़ टू बी गिवन टू द पर्सन अपियर गिवन हिम द टाइम, टाइम कितना दिया जाता है प्रोक्लेमेशन का, नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नॉट लेस देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नॉट लेस देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नन ऑफ द बो। कितना दिया जाता है, आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपियर होना पड़ता है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 ऑफ CRPC ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, या नन ऑफ द वो। जो प्रोक्लेमेशन में बाद में अटैचमेंट का ऑर्डर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC बिफोर ए सर्च इज टू बी मेड ऑफ द प्रीमाइसेस द ऑफिसर और अदर पर्सन शैल कॉल अपॉन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ एनी अदर लोकेलिटी इफ नो सच इनहेबिटेंट ऑफ द सेट लोकेलिटी इज अवेलेबल और इज विलिंग टू बी ए विटनेस ऑफ द सर्च, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बो। 100 में जो सर्च होता है, सर्च करने से पहले हमें पता है दो या दो से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट इनहेबिटेंट चाहिए होते हैं, तो वो उस लोकेलिटी के ही होने चाहिए या फिर उससे अलग भी हो सकते हैं अगर वो हम अवेलेबल ना हो तो। आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द सर्च मेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC शैल बी विटनेस बाय, इसके द्वारा विटनेस किया जाएगा वो सर्च, ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस एनी द पर्सन ऑफ ऑन हिज बिहाफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बो। आंसर इज बोथ ए एंड बी।
under section 125 of CRPC, the magistrate can order for maintenance of, किसकी मेंटेनेंस दे रखी है 125 में, वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स ऑल द अबव, आंसर इज ऑल द अबव, वाइफ भी ले सकते हैं चिल्ड्रन भी पेरेंट्स भी 125 सीआरपीसी. नेक्स्ट इज द मजिस्ट्रेट इज टू बी डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 120 डेज 60 डेज 100 डेज नन ऑफ द अबव, आंसर इज 60 डेज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन बी मेड मंथली एज, जो मंथली दिया जाएगा कितना दिया जाएगा, क्या दे रखा है अपने सीआरपीसी में अमाउंट फिक्स दे रखा है, रुपीज 500 पर मंथ 1000 पर मंथ एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, नन ऑफ द अबव, आंसर इज एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, कोई अमाउंट डिसाइड नहीं कर रखा, मजिस्ट्रेट को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा अमाउंट मंथली पे करने का ऑर्डर देगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ए वाइफ वुड नॉट बी एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस इफ, वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस की अगर शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, सी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड, देयर आर लिविंग सेपरेटली ऑन म्यूचुअल कंसेंट, ऑल द अबव, आंसर इज ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू कैंसिल द मेंटेनेंस इफ इट इज फाउंड दैट द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा मेंटेनेंस अगर उसे वो ये देख लेता है कि वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, या फिर उसने हस्बैंड के साथ रहने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है, या वो म्यूचुअल कंसेंट से उसके साथ रह रही है, या ऑल द बो. पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, ये बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्वेश्चन की, आंसर इज ऑल द बो. द मेंटेनेंस ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन कैंसिल्ड और वैरिड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कैंसिल किया जा सकता है किन कॉन्सिक्वेंस में, एनी डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, डिसीजन ऑफ ए रिवेन्यू कोर्ट, डिसीजन ऑफ ए ट्रिब्यूनल, नन ऑफ द अबव, आंसर इज एनी डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर हीज और वेयर ही इज और हिज वाइफ रिजाइड, वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज wife or as the case may be with the most of the illegitimate child, all the above, answer is all the above, कहीं भी करा सकते हैं. Next is under section 178 of CRPC an inquiry or trial can be made by a court having jurisdiction over any of such local areas, कहाँ करवा सकते हैं inquiry or trial, where it is uncertain in which of several local areas an offence was committed, or where an offence is committed partly in one local area or partly in another local area, where an offence is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one, or where it consists of several acts done in different local areas, yeah, all the above, bataiye, answer is all the above, कहीं भी करा सकता है, जुरिस्डिक्शन होगी उनकी इन सभी केसेस में. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कैन बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है मजिस्ट्रेट 190 के अंडर, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस भी है, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, upon information received from any person other than a police officer upon his own knowledge that such offense has been committed, all the above, answer is option D, all the above. When under section 200 of CRPC when the complaint is made in writing the magistrate need not examine the complainant and the witness, कब मजिस्ट्रेट को आवश्यकता नहीं है कंप्लेनेंट को और विटनेस को एग्जामिन करने की, इफ़ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और ए कोर्ट हैज़ बे मेड द कंप्लेंट, इफ़ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 या बोथ ए एंड बी, आंसर इज बोथ ए एंड बी, इन दोनों में से कोई से में भी.
Under Section 215 of CRPC, no error or omission to state the offence or other particular shall be regarded at any stage of the case as material. Accused was in fact misled by such error or omission. It has occasioned a failure of justice. Both A and B, none of the above. Answer is both A and B. Next is, choose the correct answer. A is discharged. A is charged with cheating B, and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. जिस तरीके से उसने चीट किया बी को वो उसमें चार्ज में नहीं लिखा गया कि किस तरह से किया गया, और इज सेट आउट इनकरेक्टली या फिर इनकरेक्टली सेट किया गया है. ए डिफेंडेड हिमसेल्फ, कॉल्स विटनेस एंड गिव्स हिज ओन अकाउंट टू द ऑफ द ट्रांजेक्शन. द ओमिशन टू सेट आउट द मैनर ऑफ द चीटिंग इज नॉट मटीरियल. तो जो चीटिंग का मैनर सेट आउट, जो गलती की गई है वो मटीरियल नहीं होगी क्या? यस या नो? आंसर इज नो. Under Section 216 of CRPC, the court can alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. Alter or add बताना है कि किस time कर सकते हैं. Before judgment is pronounced, before sentence is pronounced, between framing of charge and pronouncement of judgment, none of the above. Answer is before judgment is pronounced. Judgment pronounce करने से पहले कभी भी वो alter or add कर सकती है court. चार्ज में. अंडर सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी, वेयर ए पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम एंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट बी मे बी चार्ज्ड एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 5, 4, 3, 6. आंसर इज 3, ऑप्शन सी. 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज द प्ली ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 265 ए ऑफ सीआरपीसी इज नॉट अवेलेबल टू एनी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस व्हेन द पनिशमेंट इज प्ली बार्गेनिंग की अपील कह रहे हैं. प्ली बार्गेनिंग का डिफेंस कब नहीं लिया जा सकता? जब ऑफेंस पनिशेबल हो डेथ से, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 7 साल से ज़्यादा की सजा हो उस ऑफेंस की, या ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. ना तो डेथ के केस में, ना एलआई के केस में, या 7 साल से ज़्यादा की जो सजा होती है उन ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते. तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस सीआरपीसी के. हम रोज़ के 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट मॉक के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.